दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं ना, जिससे अगर आपका मोबाइल कभी भी स्विच ऑफ हो या फिर अगर फ्लाइट मोड में हो एंड उस टाइम अगर आपको कोई कॉल करेगा ना, तो आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन मैसेज आएगा कि इस पर्सन ने आपको कॉल किया है इस टाइम पर। क्योंकि गाइस कभी कभी क्या होता है ना कि मान लीजिए अगर हम अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हैं या फिर किसी से मान लीजिए हमारा झगड़ा हो जाता है, कोई भी रीजन हो जाता है जिसे मान लीजिए हम अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में कर दें या फिर स्विच ऑफ कर दें, और अगर उस टाइम पे वो पर्सन कॉल किया होगा ये आपको पता नहीं चलेगा। आप मोबाइल जब ऑन करोगे तो भाई कैसे पता चलेगा कि आपके मोबाइल पे कॉल आया भी है कि नहीं आया है और किसने कॉल किया है। तो एक ऐसा ट्रिक है गाइज जिसका नाम है मिस कॉल रिमाइंडर। अगर उसको दोस्तों अगर आप मोबाइल में सेटिंग ऑन कर दोगे ना, तो उसके बाद आपका मोबाइल अगर स्विच ऑफ रहेगा, फ्लाइट मोड में रहेगा एंड उसके बाद जब आप अपने मोबाइल को ऑन करोगे ना, तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा नोटिफिकेशन कि भाई इस पर्सन ने आपको कॉल किया है, इस टाइम पे कॉल किया है। ठीक है, कितनी बार कॉल किया है वो भी दिखाएगा। तो अगर आपको यार ये ट्रिक सीखना है, जानना है, वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है लाइक करके टेक्निकल सीट को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को हम आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, और अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल में मिस कॉल नोटिफिकेशन को कैसे यार ऑन कर सकते हैं, जिससे मान लीजिए अगर आप मोबाइल कभी स्विच ऑफ रहता है या फिर अगर आप कभी दोस्तों अपने मोबाइल को यार फ्लाइट मोड में डाल देते हो, तभी दोस्तों अगर आपको कोई भी कॉल करेगा तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने अपने इस मोबाइल में ये नोटिफिकेशन ऑन करके रखा है। देखिए यहाँ पर लिखिए, यहाँ पे लिखा भी है डियर कस्टमर यू हैव ए मिस कॉल, और ये नंबर है और 21 अक्टूबर यानी इसी तारीख को कॉल आया है और इतना बजे कॉल आया हुआ है, यानी मेरा मोबाइल उस टाइम ऑफ था और मुझे ये नोटिफिकेशन दिखा रहा है इस मोबाइल में। ठीक है, क्योंकि मैंने अपने इस मोबाइल में ये सेटिंग ऑन करके रखा है। तो कौन सा सेटिंग है मैं आपको बता दूं दोस्तों, सेटिंग दो तरह से हो सकता है। आपका मोबाइल अलग अलग कंपनी का होगा तो अलग अलग आपको सेटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पर बता दूं, अगर आपके मोबाइल में रियलमी का मोबाइल है, देखिए रियलमी का है, तो आपको कौन सा सेटिंग करना है मैं आपको बता दूं। आपको देखिए कोई भी मोबाइल हो, आपको बस क्या करना, अपने मोबाइल कॉल वाला जो डायलर होता है इसको ओपन कीजिएगा एंड यहाँ पर आने बाद गाइस यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेटिंग का ऑप्शन, आप दोस्तों इस सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा। सेटिंग पे क्लिक करने बाद गाइस यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं ये पहले रियलमी पे बता रहा हूँ, उसके बाद दोस्तों दूसरी कंपनी का अगर मोबाइल आपका होगा तो वहाँ पर सेटिंग अलग होगा। सबसे पहले गाइस देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लॉक एंड फिल्टर का, आप इस पर क्लिक कीजिएगा, और जब दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्लॉक नोटिफिकेशन, देखिए लिखा हुआ है, आप ब्लॉक नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करते गाइस यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शो ऑल ब्लॉकेड कॉल नोटिफिकेशन, इसका मतलब दोस्तों मान लीजिए अगर आपने किसी नंबर को ब्लॉक किया है और वो आपको कॉल करेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ शो बीच वाला शो ऑल ब्लॉकेड कॉल नोटिफिकेशन नोट फ्रॉम ब्लॉकेड सोर्स, मतलब आपको इस पे लगा देना है। अब इससे दोस्तों होगा ये ना कि मान लीजिए अगर आपने किसी नंबर को ब्लॉक किया है या फिर आपका मोबाइल स्विच ऑफ है या फिर अगर आपका मोबाइल फ्लाइट मोड में है, तो उस टाइम पर अगर आपको कोई कॉल करेगा तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपका मोबाइल दूसरी कंपनी का है, अगर आपका रियलमी का मोबाइल नहीं है, दूसरी कंपनी का मोबाइल है, तो उसके लिए गाइस आपको क्या करना है, सेम वही प्रोसेस है, आपको क्या करना है अपने मोबाइल में डायलर ही ओपन करना है एंड यहाँ सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पर आने बाद गाइस आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कैरियर कॉल सेटिंग का, आप इस पर क्लिक कीजिएगा, या फिर दोस्तों किसी किसी मोबाइल में डायरेक्ट सेटिंग मिलता है एडिशनल सेटिंग का, तो एडिशनल सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा। और जैसे दोस्तों आप एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए इस मोबाइल में ऑप्शन नहीं है, लेकिन रियलमी के अलावा दूसरा अगर आपका मोबाइल होगा तो एडिशनल सेटिंग में जैसे दोस्तों आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा मिस कॉल रिमाइंडर, और उस पर क्लिक करके दोस्तों आप सेटिंग ऑन कर सकते हैं। प्रकार से गाइस अगर आपका मोबाइल ऑन होगा तो आपको इस प्रकार से ऐसा नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, ये रियलमी पे अलग मैंने सेटिंग आपको बताया, अदर मोबाइल पे आपको मिलेगा मिस कॉल रिमाइंडर नोटिफिकेशन। ठीक है, उस पर आप क्लिक करके ऑन कर लीजिएगा। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो में, तो धन्यवाद, देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्विच चैनल को।